जीएसटी की अगर हम बात करें, अब आइडियल सीनरियो आपसे जब पहले भी बात हुई थी, इनफैक्ट ऑफ कैम, तब भी आपने जो इंडिकेशन दिया था कि एट सम पॉइंट कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन जैसे एवोल्यूशन होगा स्लैब्स की संख्या घटेगी, इस दिशा में आपका क्या विजन है? देखिए, घटनी चाहिए लेकिन, और रेट भी घटना चाहिए लेकिन, जब इवेजन रुकेगा और टैक्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो टैक्स को कम करना ये संभव है। मैंने इस बार बजट का सबसे महत्वपूर्ण मेरा वाक्य था कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके हिस्से का टैक्स ईमानदार आदमी को देना पड़ता है, तो वो बेचारा अपना भी देता है और चोरी करने वाले के हिस्से का भी देता है। और इसलिए अगर टैक्स का बेस हम बढ़ा दें तो रेट कम होने चाहिए। इसीलिए एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को, मैंने हर टैक्स पेयर को 2.5 लाख से लेकर जिसकी 100 करोड़ तक की इनकम है, कुछ ना कुछ रिलीफ मिली है। बजट में बढ़ते हैं मैंने कम किए क्योंकि मैं टैक्स बेस को एक्सपैंड करूंगा। दूसरा, जैसे ही जीएसटी एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम के माध्यम से एक्सपैंड होगा तो जो ये स्टैंडर्ड रेट्स वगैरह हैं इनको कम करने का प्रयास हो सकता है। आज अगर हम टैक्स, जो लोग लेख लिखना बहुत सरल है कि भाई एक आइटम टैक्स होना चाहिए जीएसटी में, दुनिया में बहुत कम देशों में है, 5-5 है। अब फूड आइटम्स हैं सारे, वो सब जीरो रेटेड है, उन पे हम टैक्स लगाएंगे तो गरीब आदमी के ऊपर टैक्स लगेगा, लगा नहीं सकते। हमने क्या किया कि जो मौजूदा आइटम्स पे टैक्स है, वैट और एक्साइज मिला लिया जाए या वैट और सर्विस टैक्स मिला लिया जाए, तो जो उसका कुल योग बनता है उसके नियरेस्ट स्लैब में हो। अब कई आइटम ऐसे हैं जहां 4% वैट है और एक्साइज नहीं है, तो उसको हम 6% में डाल देंगे। अब मान लो हम सिर्फ 12% का रेट रखें तो क्या 4% से 12% ले जाएं? ये तो आम आदमी पे बोझ बन जाएगा। सिमिलरली कई ऐसे आइटम है जिसपे 6% टैक्स है, वैट है, 6% एक्साइज है, वो 12 में आ गया। स्टैंडर्ड रेट हमने 2 रखे हैं, 6 और 12 और 18। आगे जाकर ये दोनों कन्वर्ज होके कोई बीच का अंक आ सकता है जो कि एक अच्छा जीएसटी होगा, लेकिन आरंभ में ये स्थिति अगर हमने की तो जीएसटी बहुत इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। ट्रू, बिल्कुल। एक आपके बजट स्पीच से ही मैं ये हिस्सा अगर उठाऊं, आपने कहा कि जो टैक्स चोर है उसका खामियाजा है कि ईमानदार टैक्स पेयर चुकाता है, इसके चलते और जो टैक्स मैन के पावर जिस तरह से बढ़े हैं, एक ऐसी लॉबी है जो ये डर फैलाने की कोशिश कर रही है कि अब तो टैक्स मैन आपके पीछे पड़ जाएगा और आपके घर आके आपका गला पकड़ के टैक्स गलत है। बिल्कुल गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि टैक्समैन का और एसएससी का संबंध ही ना रहे। आप रिटर्न ई फाइलिंग करिए, आपको मालूम ही नहीं कि मेरा आईटीओ कौन है, आप ई फाइल करिए, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम बैंगलोर में जाएगा, वहां से एलोकेट होगा। अगर उनको लगता है कि 4 सवाल आपसे पूछने हैं तो ईमेल पे सवाल आएंगे, ईमेल पे जवाब दे दिया जाएगा। अगर बहुत आवश्यकता पड़ी और स्क्रूटनी में कोई केस चला गया तो किसी भी ऑफिसर को असाइन हो सकता है, आपने वहां हियरिंग कर ली, ऑर्डर आपको ईमेल पे मिलेगा। आज रिफंड सारे करोड़ों की संख्या में ईमेल पे आ रहे हैं, यहां ईमेल पे सूचना आती है और रिफंड घर पहुंच जाता है। हमने हर कदम उठाया है इस संपर्क को समाप्त करने का, और स्क्रूटनी केसेस भी 100 में से 1 है, 1% से कम है, तो 99% एसएससी तो उसका अधिकारी कौन है उसकी शक्ल ही नहीं देखेगा, ताकि ये जो कांटेक्ट कम करने से और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से मुझे लगता है थोड़ी सरलता आती है। बिल्कुल सर, और एक अच्छा जो कदम इस बजट में दिखा फाइन प्रिंट में, आपने भारत नेट पे काफ़ी जोर दिया जो कि ज़रूरी है डिजिटाइजेशन के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, मनरेगा हो, इन सब में एलोकेशन बढ़ाया गया है, दिस कैन एक्चुअली क्रिएट ग्राउंड स्वेल सब जगह, क्योंकि ऑटोमेशन से कई बार जॉब्स कम होती हैं, लेकिन जब यहाँ कम हुई तो यहाँ बढ़ती हैं, टेलीकॉम में बढ़ गई। आप लैंडलाइन से कम होने से कोई जॉब्स कम नहीं हुई, टेलीकॉम सेक्टर एक्सपैंड कर गया, आईटी सेक्टर एक्सपैंड कर गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर्स एक्सपैंड कर गए, अब ये पोर्टल्स एक्सपैंड कर गए, अब आपके ई वॉलेट्स एक्सपैंड कर गए, तो ये सारा जॉब क्रिएशन तो करता ही है। एब्सोल्युटली। लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे सर आपसे। एक तो एक बहुत अच्छा कदम जो आपने उठाया है FIPB स्क्रैप करने का, ये उस माहौल में हो रहा है जब ग्लोबली सडनली वी आर सीइंग लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। इसे उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था, 90% FDI बिना FIPB ऑटोमेटिक रूट से आ रही है, और जो 10% आती है
एफआईपीबी के अलावा जो कंसर्न मंत्रालय है उसकी भी अनुमति चाहिए होती है, तो दो बार अलग अलग स्थानों पे क्यों जाओ, एक स्थान पे कर लेंगे। जो रेगुलेशन है उस 10% का एफआईपीबी क्यों करे, वो होम मिनिस्ट्री कर सकती है, आईएनबी मिनिस्ट्री कर सकती है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कर सकता है, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट कर सकता है, जो भी कंसर्न पेरेंट मिनिस्ट्री होगी उस इन्वेस्टमेंट की वो देखेंगे। सो ये इन अ सिनेरियो जहां पे प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, इससे उल्टा हमें फायदा हो रहा है। ट्रेड कम होता है, प्रोटेक्शनिज्म से इन्वेस्टमेंट कम होता है। अब अगर जैसे अमेरिका में भी हो रहा है कि भाई हम जो एक देश से इम्पोर्ट आएगा टैक्स लगा देंगे, लगाओगे तो देना तो अमेरिका के लोगों को पड़ेगा। आप आउटसोर्सिंग बंद करोगे तो आपकी कंपनियों को महंगी लेबर रिटेन करके वो काम करना पड़ेगा जो आज आउटसोर्सिंग से हो जाता है, तो इट बैकफायर। सो इसलिए प्रोटेक्शनिज्म से कोई अर्थव्यवस्था बेहतर चलती है? आज मुझे लगता है कि दुनिया में आइसोलेटेड इकोनॉमीज चल नहीं सकती। राइट, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन अपने आप में एक बड़ा कदम था, उससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, अब बजट में भी इन वे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, खासकर जो टैक्स चोरी करते हैं उन पर। आपकी सेंस क्या कहती है, आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या है? हमारी अच्छी स्थिति रहेगी। देखिए, कांग्रेस देश भर में सुकड़ती जा रही है, बहुत कम संख्या हो गई, कोई आकर्षण ना लीडरशिप का है ना पार्टी का है। कहीं कहीं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहां थोड़ा बहुत मुकाबला हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर स्थानों पर हमारी पार्टी और उसके साथी निश्चित रूप से जीतेंगे। What is your aspiration figure for, aspiring figure for growth? जैसा आपने खुद कहा कि देखिए, मैं चाहता हूं कि आज तो मुझे लगता है कि वापस हम उस 7-7.5% की रेंज में वापस आए, जो संभव है शायद आ भी जाएंगे। और अगर विश्व की अर्थव्यवस्था थोड़ी और ताकतवर हो गई तो फिर उस 8% को क्रॉस करके आगे बढ़ना, वो हम लोगों का एक उद्देश्य है। वर्ल्ड हैज टू मूव फास्टर, इन अ स्लोड डाउन वर्ल्ड We also suffer. Right. बस एक आखिरी मुद्दा जिस पर मैं आपसे बात राय चाहूंगा, डीमोनेटाइजेशन के बाद अब सभी को इंतजार है कि अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम में पैसा आया कितना, और इससे अब जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की व्याख्या चेंज हुई। इमटेरियल मानता हूं। मैं इमटेरियल इसलिए मानता हूं कि जब हमने इनकम टैक्स अमेंड कर दिया और कहा कि आप 50% देकर पैसा दीजिए, अगर रिकाउटेड है तो 50% दीजिए 31 मार्च से पहले, तो जिसके पास ब्लैक मनी था उसके पास दो ऑप्शन थी, या 100% को आग लगा दे या 50 बचा ले, तो कॉमन सेंस कहती है वो 50 बचाएगा। तो इसलिए बैंक में आने से उसने गंगा जी में स्नान करके पवित्रता नहीं प्राप्त की, उस पैसे का कलर नहीं बदला, वो ब्लैक मनी है। इट इज नाउ सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, जिसके लिए 18 लाख लोगों को ये जानकारी हम लोगों ने भेजी है इनकम टैक्स विभाग ने कि भाई आपने इतना जमा कराया 10 दिन में बता दीजिए ये सही है कि नहीं है। इसमें इशारा भी है कि आप सुधर जाओ। हाँ, कि भाई मालूम है। राइट, और ये अफोर्डेबल हाउसिंग में जो व्याख्या चेंज हुई है, अब बैंक्स आर ऑल्सो फ्लश्ड विद मनी, डू यू थिंक कि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स विल गो डाउन? पीएम ने 31 दिसंबर को कहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में सस्ता ब्याज होगा और छोटे 9 लाख 12 लाख वाले घर तक के लोन सबवेंशन होगा। और मैंने इस बार परिभाषा भी बदल दी कि अब 60 स्क्वायर मीटर यानी 650 फुट कारपेट एरिया होगा, यानी सुपर एरिया लगभग 900,000 फुट का होगा, जिसमें 2 बेडरूम का बहुत अच्छा घर बन जाता है एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी दे दिया, तो इस सारे से एक लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल, चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि ये जो जेन नेक्स्ट बजट आपने डिलीवर किया है, विच हैज़ बीटन एवरीबडीज एक्सपेक्टेशन एंड एलेड फियर्स ऑल्सो, इसी कड़ी को आप आगे बढ़ाते रहें और जल्द ही GST भी रोल आउट हो, ऑन ट्रैक हो जाएगा रोल आउट, मुझे उम्मीद है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।